सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 23 दिसंबर। नाम रूप की अपेक्षा अधिक व्यापक है। मान लो मैंने तुमसे प्रश्न पूछा, आनंद यानी क्या? तो किसी प्रसन्न बालक की ओर उंगली उठाकर तुम कहोगे कि ये देखिए, यहां आनंद है। इतना ही नहीं तो इस प्रकार आनंद से खेलने वाले बिल्ली के बच्चे, उछलते कूदते छोटे बछड़े, हंसने वाले स्त्री पुरुष और फूलों से लदी लताएं, इन सब की ओर उंगली उठाकर तुम कहोगे कि ये आनंद है। लेकिन ये कोई मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं हुआ। आनंदपूर्ण वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ये मेरा प्रश्न नहीं। आनंद मुझे दिखाओ, ऐसा मैंने पूछा था। आनंदपूर्ण वस्तु में आनंद रहता है, इसलिए वो वस्तु आनंद नहीं है। छोटा बालक ही यदि आनंद हो तो फिर बड़े स्त्री पुरुष या बिल्ली के बच्चे आनंद नहीं हो सकते। मतलब ये कि आनंद एक ही होना चाहिए, क्योंकि सब ओर दिखाई देने वाले आनंद के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। हम जो जो आदमी देखते हैं वो अलग अलग ही दिखाई देता है, फिर भी हम सबको आदमी ही कहते हैं, क्योंकि हर एक आदमी में मनुष्यता है। वो मनुष्यता हमारे इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, फिर भी हम उसे मन से पहचानते हैं और उसका अस्तित्व मनुष्य या आदमी शब्द से कहते हैं। मनुष्यता ये शब्द है, ये नाम है, इसलिए रूप का अस्तित्व नाम के कारण ही है। प्रत्येक वस्तु का बाह्य रूप उसके नाम के कारण ही टिकता है। आनंदपूर्ण वस्तुएं अनेक होने पर भी उनमें जो आनंद होता है वो एक ही होता है, यानी एक ही नहीं बल्कि अनेक रूप आए और गए, फिर भी नाम बचा रहता है। आज तक संसार की गोद में अनगिनत स्त्री पुरुषों ने जन्म लिया, जीवित रहे और मर गए, तो भी मनुष्यता जैसी है वैसी बनी है। यही नियम सर्वत्र चरितार्थ किया तो ऐसे दिखाई देगा कि सुंदर सुंदर वस्तुएं आई और गई, सुंदरता सदा के लिए है। आनंदपूर्ण वस्तुएं भी आई और गई, किंतु आनंद हमेशा की तरह है। लाखों जीव आए और गए, किंतु जीवन नित्य है। रूप अनेक हैं, फिर भी नाम एक ही है, यानी नाम अनेकों में होते हुए भी एकत्व से होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नाम रूप की अपेक्षा अधिक व्यापक है। रूप नाम से अलग नहीं रह सकता, नाम रूप में मिलकर भी बाकी रहता है। नाम दृश्य के परे और सूक्ष्म है, उसे उत्पत्ति और विनाश, वृद्धि और घाटा, देश काल की सीमाएं आदि कोई विकार नहीं होते। इसलिए नाम पूर्व था, आज है और आगे भी रहेगा। नाम ये सत्स्वरूप है। नाम से अनेक रूप उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। शुद्ध परमात्मा के निकटतम यदि कुछ है तो केवल सिर्फ नाम ही है। अतः नाम लेने पर भगवान मानो अपने पास ही होता है। मेरा बोलना हर एक को समझता है, जिसकी जितनी तैयारी हो उतना ही उसे समझता है, किंतु व्यर्थ कहीं भी नहीं जाता। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।